खरगोश को बीमारी से बचाने के लिए हफ्ते में एक बार यह जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने रैबिट को ऐसा क्या दें जिससे रैबिट बीमारियों से दूर रहे और अच्छा स्वस्थ रहे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही रैबिट्स रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं डेली। तो चलिए आपको बताते हैं कि रैबिट को ऐसा क्या देना है जिससे रैबिट बीमारियों से बचे और हमेशा स्वस्थ रहे। हफ्ते में आपको एक बार जरूर देना है। अगर आप घर पे रख रहे हैं एज अ बच्चे की तरह रख रहे हैं या फिर खरगोश आप पाल रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं इस वजह से, तो फ्रेंड्स चलिए आपको बताते हैं कि रैबिट को हफ्ते में क्या देना है। तो हफ्ते में एक बार आपको अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है उसको आप आधे कप पानी में एक एक छोटा छोटा टुकड़ा आपको लेकर कूट लेना है। लहसुन का टुकड़ा और अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर आपको अच्छे से कूट लेना है। उसका जो रस होता है उसको आधे कप पानी में मिलाकर आपको रैबिट को हफ्ते में एक बार जरूर देना है जिससे रैबिट को बीमारियों से बचेगा और रैबिट बीमार नहीं होगा। तो आपको एक बार यह जरूर ट्राई करना है अपने रैबिट में और आप देखेंगे कि हफ्ते दो हफ्ते में आपका जो रैबिट है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा आपके रैबिट में। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि रैबिट को हफ्ते में एक बार यह जरूर देना है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो पेट्स लवर हैं, ऐसे ही सपोर्ट बना रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे सपोर्ट बना रखें, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तहे दिल से आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।